JKSSB की तरफ से एक न्यू अपडेट है। देखिए, अपडेट विद हेल्ड रिकमेंडेशन के बारे में लेकर के है, मिस्टर रविंदर कुमार को लेकर के, जो सन ऑफ कृष्णलाल हैं, डोडा के रहने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी सिलेक्शन जो की गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से, आप देख सकते हैं, यू हेयर बाई गिवन द फाइनल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर अंदर। मतलब ये 19 को ये अपडेट आपका इन्होंने निकाला था, तो इससे आगे 7 दिन लगा करके आपके पास टाइम है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। बाकी JKSSB का मसला तो गोली चला है। अगर हम लोग देखें, लगभग पिछले 1 साल 2 साल लीजिए आप, एक ही एग्ज़ाम लिया JKSSB ने, सब इंस्पेक्टर, और वो भी कम्प्लीट नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन हैं, मैं यहाँ पे बच्चों ने 2019 की नोटिफिकेशन गया, अभी तक उसका एग्ज़ाम हुआ। पटवारी का एक नोटिफिकेशन था, 2021 में फॉर्म लगे थे हमारे, अभी तक उसके एग्ज़ाम की 10 बार नोट रिटर्न करनी, फिर कैंसिल कर देते हैं। अब सब इंस्पेक्टर की बात करूँ मैं, 2021 में फॉर्म लगे थे, 2023 चल रहा, 2 साल हो गए। वो बच्चा जो उस समय 28 ईयर्स का था, आज वो 30 ईयर्स का, जो 30 का था वो 32 का हो चुका है। लेकिन उसकी फिजिक पे कितना फ़र्क आया होगा। कल पल को वो बंदा अब 1 साल के बाद, 6 महीने बाद रिजल्ट निकालते हो, और वो बच्चा फिजिकल क्लियर नहीं कर सकता, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो बच्चों की तरह टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? JKSSB है या कौन है? देखिए, JKSSB में जो ऑफिसर्स हैं, वो भी किसी प्रोसीजर के थ्रू ही वहाँ पर पहुँचे हैं, और इस तरह का प्रोसीजर उस टाइम हुआ होता तो मेरे को लगता नहीं कि वो वहाँ पर पहुँचे होते। कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के देखो, अब कोई JEE सिविल्स का एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम तो JKSSB ले ही नहीं रही है। और वो JKSSB को पता होगा भाई एग्ज़ाम, अब अगर आपको पता था भाई एपटेक, अगर आप एपटेक की बात है, एपटेक और JKSSB एपटेक के साथ में खड़ी, भाई एपटेक ठीक है यार, एपटेक अगर ठीक है, फिर कोर्ट ने उस पर रिकमेंडेशन क्यों लगाए, क्यों उसको बैन किया, क्यों उसको बाकी स्टेट्स में बैन किया गया? यार, आप जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ होना चाहिए JKSSB को, आप JKSSB है, जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आपको JNK के यूथ के साथ होना चाहिए, ना कि इस तरह की कंपनी, एक कंपनी के साथ होना चाहिए। और ये मेरे को लगता नहीं भाई, ये किसी का एक दिन को वापस नहीं कर सकता, और हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे यूथ के 3-4 साल कौन वापस करेगा?